प्रभु श्री कृष्णा जी गोपियों के साथ बहुत सी लीला किया करते थे। वो कभी गोपियों की मटकी फोड़ते, उनका माखन चुराते, या फिर यमुना तट पर नहाती हुई गोपियों के कपड़े उठा के भाग जाते। उसके बाद गोपियां उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु के उल्हानों से परेशान हो गई और उन्हें क्रोध आ गया। वो एक छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी के पीछे दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में आता हुआ देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते कान्हा एक कुम्हार के पास जा पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने कान्हा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि कान्हा साक्षात परमेश्वर हैं। तब कान्हा ने कुम्हार से कहा, कुम्हार भैया, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने कान्हा को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां पर आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरा कन्हैया देखा है कहीं? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने तो कन्हैया को नहीं देखा। कान्हा ये सारी बातें उस बड़े से घड़े के नीचे छुपके सुन रहे थे। यशोदा मैया वहां से चली गई। उसके बाद कान्हा कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार भैया, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो आप। कान्हा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन देता हूं, अब तो बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दोगे तो ही मैं इस घड़े से बाहर निकालूंगा आपको। कान्हा कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार फिर कहता है, नहीं प्रभु, एक वचन और दे दो। भगवान बोले, वो भी बता दो कुम्हार भैया, अब क्या बाकी रह गया है? कुम्हार कहने लगा, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लद के आई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख बंधन की योनियों से मुक्त होने का वचन दो आप। कान्हा कुम्हार की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे बैलों को भी बंधन से मुक्त किया, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, प्रभु, अभी तक मैंने जो मांगा अपने लिए मांगा, एक विनती आपकी मैं संसार के लिए मांगता हूं, अगर आप उसको पूरा करें तो मैं आपको घड़े से बाहर निकालूं। कान्हा जी बोले, बताओ अब क्या बाकी रहता है? तब कुम्हार ने कहा, प्रभु, जो भी प्राणी आपकी और मेरे इस संवाद को सुने, आप उसको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे, बस ये वचन दे दो मुझे तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूं। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर कान्हा जी बहुत खुश हो गए और बोले, ठीक है, ये भी वचन दिया। फिर कुम्हार ने कान्हा जी को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु को गले लगाकर इतना रोए कि वो प्रभु में ही विलीन हो गए। आप सोच के देखो, वो कान्हा जिन्होंने 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठा लिया था, तो क्या वो घड़ा नहीं उठा सकते थे? किसी ने बड़ा सही कहा है, बिन प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यगन करे,
अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी ही भक्ति क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक उसके मन में प्रेम नहीं है समस्त संसार के लिए, समस्त प्राणियों के लिए, तब तक प्रभु का मिलना मुश्किल है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।